नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022 के लिए। दोस्तों, आपकी परीक्षाओं का टाइम टेबल आ चुका है और 7 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों, हम इस वीडियो में कक्षा 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का जो एकदम रियल पेपर है स्कूल की ओर से जो जारी हुआ है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन के साथ सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। एकदम बहुत ही अच्छा पेपर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, तो फटाफट से सारे प्रश्नों को आप याद कर ले और बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आपने कमेंट किया है कि सर SST का पेपर भी हमें लेके आइए, तो दोस्तों वो पेपर लेके आ चुका हूँ मैं और आप इनको फटाफट याद कर ले। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। वर्गों का समाज का जो भाग था वो किस प्रकार का था, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नीचे, सामंतवादी व्यवस्था का। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 19वीं शताब्दी के यूरोप में परंपरावादी थे, तो किस प्रकार के परंपरावादी थे, तो समाज में क्रमिक परिवर्तन के विचार को स्वीकार किया, इस प्रकार के परंपरावादी थे वो। नेक्स्ट देखिए, अगला का नंबर का क्वेश्चन आपका आता है 3 नंबर का, इनमें से किस से लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है, तो यहाँ पे विदेशी शासन द्वारा अगर आक्रमण किया जाता है तो इस प्रकार के कार्य से किसी भी प्रकार से कोई लोकतंत्र में विस्तार थोड़ी होगा, जबकि हमारे देश को हानि होगी, जैसे अभी आप देख रहे होंगे रूस यूक्रेन वगैरह युद्ध हुए थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट का अर्थ, इसका मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति एक वोट का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक वर्ष के नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से किसे उगाया जाता है, तो यहाँ पे ज्वार और बाजरा, इनको दोस्तों वर्षा ऋतु जो अभी अभी गई है आप देख पा रहे होंगे, अभी थोड़ा बहुत कोई बारिश की संभावना बताई जा रही है, बाकी बारिश जा चुकी है लगभग, तो ये देखिए ज्वार और बाजरा, बाजरे की फसल को दोस्तों आप पेड़ों में मतलब लगा दीजिए फसल, ये मतलब बरसात के साथ ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है, बड़े होने लगते हैं, इनको अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छः है, अरुणाचल प्रदेश का समय जैसलमेर से कितने घंटे आगे है, तो लगभग 2 घंटे आगे यहाँ का समय है, क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी है जो 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर झुकी हुई है, आपको पता है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका लिए ये समय है वो थोड़ा सा आगे चलता है। आगे देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान के क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर, एकदम 100% 200 संभावनाएँ पूरी पूरी स्कूल से लेके आया हूँ, पूरा आपको बताया जा रहा है। आप अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए फटाफट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है रिक्त स्थान बेस का, तो यहाँ पे देखिए 99% फ्रांसीसी जो जनसंख्या है वो किस प्रकार की है, तो वो एक कृषक जनसंख्या है। सत्ता पर नियंत्रण कुलीन तंत्र एवं किसके द्वारा किया जाता है, तो निजी उद्योगपतियों के द्वारा है, वो यहाँ पे क्या किया जाता है, सत्ता पर नियंत्रण किया जाता है। आगे देखेंगे अपन, उत्तर अमेरिका के ब्रिटिश उपनिषदों ने किसको स्वयं आज़ाद घोषित किया, तो 1976 में किया था स्वयं को। इसके बाद देखिए, तानाशाही सरकार का एक रूप जिसमें सत्ता खालिस्तान में निहित होती है, तो एक व्यक्ति के रूप में निहित होती है, किसमें, एक व्यक्ति में, फटाफट आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। आगे देखिए, पालमपुर में किसकी मुख्य आर्थिक गतिविधि थी, तो खेती की, आपने पढ़ा होगा पालमपुर के बारे में, वहाँ पे खेती की जाती थी, कृषक थे वहाँ पे, कितने गाँव थे, ये सब आपने पढ़े हैं। आगे देखिए, भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद देखिए, सही जोड़ी आपको मिलाना है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको सही जोड़ी का, यहाँ पे देखिए एस्टेट जनरल ये कौन थे दोस्तों, तो ये आपके क्या है, राजनीतिक निकाय से रिलेटेड है। जोसेफ स्टालिन ये नियंत्रण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। नेपाल में दोस्तों राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी, ये आपने पढ़ा। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, उस समय की बात की जा रही है जब नहीं था। आगे देखिए, यहाँ पे मध्यम और बड़े किसान की बात करें तो खेत पर मजदूरों को काम पर रखना होता है, सबसे उत्तरी बिंदु है वो काराकोरम रेंज है, ठीक है, उत्तरतम बिंदु की बात की गई है, पूर्व इधर पश्चिम, उत्तर इधर दक्षिण, तो उत्तर ऊपर आ जाएगा आपका, हिमालय का जो भाग है उधर काराकोरम श्रृंखलाएँ आपने पढ़ी होगी। आगे देखिए, यहाँ पे सत्य और असत्य आपको छाँटना है। यहाँ पे देखिए, बास्तील के विध्वंस ने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसीलिए यहाँ पे सही का चिन्ह है, आपको क्या लिखना है, सत्य है, ठीक है, आपको इनको सत्य टिक करना है। चलिए आगे देखते हैं अपन,
क्वेश्चन नंबर दो है, मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है, जो कार्ल मार्क्स थे उनका विचार ये सही था, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे सत्य। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कीजिए। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ फाइल सेंड की जाएगी। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 200 सदस्य हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विपक्षी दल सरकार का विरोधी उसके नियंत्रण करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। खेती के लिए नए तरीकों के लिए कम ज़मीन की ज़रूरत होती है लेकिन पूंजी ज़्यादा लगती है, तो ये बात भी आपकी क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। भारतीय मानक यामोंतर उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे सत्य। यहाँ पर देखिए, अब एक शब्द में एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, तो एक वाक्य के उत्तर के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, किस प्रसिद्ध युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, तो यहाँ पे देखिए ये उत्तर आपको लिख जाता है, नेपोलियन 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। ये प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, तो सारे प्रश्न आपको देख लेने हैं, 99% संभावना है पूरे पेपर की। इसके बाद देखिए, उस नेता का नाम बताइए जिसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटेज पैलेस पहुँचा था, तो वो पादरी गेपोन थे, कौन थे, पादरी गेपोन आपको लिख देना है। दो ऐसे देशों के नाम आपको बताने हैं जहां पर लोकतंत्र अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, तो दोस्तों यहां पे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, 1999 में पाकिस्तान से सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, तो परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा किया गया था उस समय, ये आपका आंसर हो गया। भारत में हरित क्रांति कब आई थी, तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति 1960 में आई थी और उत्तरार्ध में आई थी, तो दोस्तों हरित क्रांति का प्रश्न है वो आपको 100% पूछा जाएगा, बड़ा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है, आप अच्छे से ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय स्थान का नाम आपको बताना है जो तीन ओर से सागरों पर स्थित है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी दोस्तों क्या है, दक्षिणतम बिंदु है नीचे वाला बिल्कुल, इसलिए वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, तो यहाँ पे है वो, तो कन्याकुमारी तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने 6 आपके 3 सेक्शन मैंने बता दिए हैं, जो इनमें कि मिलान वाले क्वेश्चन हो गए और रिक्त स्थान वाले हो गए और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वन वर्ड के हो गए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराने वाला हूं, तो आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बाकी याद कर लीजिए, 100% आपका पेपर आने की संभावना है पूरी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में अगले प्रश्नों के साथ, धन्यवाद।